बदायूं डबल मर्डर केस में अब तक पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। पुलिस की थ्योरी से ये तो साफ हो गया है कि पुलिस ने अपना होमवर्क ठीक से किए बिना ही आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस साजिद और जावेद के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन को लेकर कुछ भी खुलासा करने से क्यों बच रही है? जांच के नाम पर लीपापोती क्यों की जा रही है? पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि इस घटना में बस दो ही आरोपी हैं, साजिद और जावेद। इनफैक्ट इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी साजिद और जावेद को ही आरोपी बनाया गया है। पीड़ित परिवार के सब लोग साजिद और जावेद का ही नाम ले रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें कोई शक शामिल ही नहीं है, जिसकी वजह से जांच में बाधा आए। फिर पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है कि साजिद को आखिरी कॉल किसने की थी, साजिद की दुश्मनी विनोद के परिवार के साथ क्या थी और साजिद घटना को अंजाम देने के बाद शेखपुर के जंगलों में कैसे पहुंच गया? घटना को अंजाम देने से पहले साजिद और जावेद की लोकेशन क्या थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन पुलिस इस मामले पर शुतुरमुर्ग बनकर बैठी है। सवाल का जवाब पूछो तो रॉकेट साइंस पढ़ाने लगती है। इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जांच के नाम पर कहानी अलग एंगल से गढ़ी जा रही है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए। बता दें कि बदायूं के सिविल लाइन्स इलाके में 19 मार्च को देर शाम साजिद विनोद सिंह नाम के शख्स के घर पर पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान विनोद घर पर नहीं थे। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए ये कहकर मांगे थे कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए संगीता ने पति से फोन पर बात करने के बाद उसे रुपए दे दिए थे। इसके बाद साजिद छत पर चला गया जहां संगीता के दोनों बच्चे 12 साल का आयुष और 6 साल का आहान था। साजिद ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद साजिद एनकाउंटर में मारा गया। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, UP तक।